हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्री हाउस फूड। सो गाइस, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आपके जीवन में काफ़ी सारी खुशियां लेकर आए, और सब अच्छा अच्छा बना के खाइए, और फैमिली वालों के साथ एंजॉय कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली वालों के साथ एंजॉय कीजिए। सो गाइस, आज हम 24 आवर्स चैलेंज करेंगे, जो कि होगा फ्रोजन फूड्स का, ठीक है। तो मैंने डिसाइड करा कि एक ही ब्रांड के हम मतलब 4 times जो खा मतलब नाश्ता लंच स्नैक्स वगैरह जो भी होता है, हम एक ही ब्रांड का ही खाएंगे। इससे पहले भी क्या कहते हैं, आप लोगों ने मेरी चैलेंज वाली वीडियो पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक और करा जाए। सो एनीवे, तो अभी इस टाइम हो रहा है 1 second 10 o'clock हो रहे हैं, मॉर्निंग के 10 o'clock हो रहे हैं। तो अब मेरे को नाश्ता करना था, तो अभी मैंने चाय भी नहीं ली है। तो आज हम मैं मतलब हल्दीराम का जो फ्रोज़न फूड होते हैं वही हम ट्राई करेंगे। तो ये मैंने मिंट खाने में आलू पराठा लिया है हल्दीराम का। इससे पहले भी मैंने इसका रिव्यू अपने चैनल पे करके रखा है, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा, तो आप जाके उसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये कुछ इस तरीके का है, देख सकते हैं। 4 पराठाज है, तो हम तो पर एक ही खाएंगे। तो चाय के साथ स्नैक्स वाला, मतलब अब सर्दी है और यार पराठे किसको पसंद नहीं होते, ज़रा ये बताओ ना, किसको पसंद नहीं होते। जो दिल्ली में तो इतनी ठंड है ना, उस ठंड में जो गरम गरम पराठे मिल जाए तो मज़ा ही दुगना ही हो जाता है अपने नाश्ते का। सो चलते हैं अपना नाश्ता प्रिपेयर करने के लिए। पराठा इसके ओपन करके एक पराठा हम निकालेंगे। ये कुछ इस तरीके का दिखता, देखिए कुछ ये इस तरीके का दिखता है। ओप्स, ऐसे देखिए। तो ये हम एक ही करेंगे। हमारा तवा गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, चाय इधर बन रही है, तो चलते हैं फटाफट से पराठे को सेक के फिर खाते हैं। तो ये इसके ऊपर रख देंगे, ऐसे रख देंगे इसके ऊपर। सो गाइज, हमारा नाश्ता बनके डन हो चुका है, पराठा और चाय। तो चलते डन नाश्ता बनके। तो पराठा कुछ इस तरीके का दिख रहा है, देख सकते हैं। देखते हैं बाकी खा के कैसा लगता है। इसकी स्टफिंग दिखाती हूँ, बहुत ही मतलब काफ़ी अच्छी है, देख सकते हैं। देखिए काफ़ी अच्छे मतलब मसाले स्पाइसेस वगैरह, धनिया पत्ती और काली मिर्च, सॉरी ग्रीन चिली, जीरा, धनिया की जो सीजनिंग होती है वो काफ़ी अच्छी फिलिंग होकर रखी है। अमेजिंग कॉम्बिनेशन, माइंड ब्लोइंग। है गाइस, सो लंच का टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा लेट भी हो चुका है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी थी। तो देखिए 1:55 होने, मतलब 2:05 है, तो 2 मेरा लंच हो रहा है। सो एनीवे, तो हम हल्दीराम का करेंगे दाल चावल ट्राई। इसका रिव्यू भी मैंने करके रखा है, पर्सनली भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसकी दाल इज सो यम्मी। सो इसी को हम लंच में खाएंगे, ठीक है। तो इसको पहले ओपन कर लेते हैं। और गाइज, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके 1 subscribe से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का इसमें आया है, ये है चावल, देख सकते हो कुछ इस तरीके के चावल है, और ये है दाल, जो वो पीली वाली दाल नहीं होती है, पीली वाली जो दाल होती है, लाल मसूर जिसको कहते हैं, ये वही वाली है। तो देखिए कुछ इस तरीके की दाल है, और 1 tissue रिसीव हुआ है, और एक
स्पून और एक ये बाउल टाइप में। तो चलते हैं फटाक से खाने के लिए, क्योंकि भूख भी बहुत तेज लग रही है और टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। तो मैं इसको ना गर्म पानी में डिप करके ही डिप करके रखूँगी 5 से 7 मिनट्स के लिए, ठीक है? फिर उसके बाद इसको खाते हैं। तो मैं फटाफट से इसको गर्म करती हूँ और फटाक से। सो ये डिप करके हो चुका है, अब इसको डालते हैं इसके अंदर। तो पहले अपने राइस कट करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके के राइस है, देखिए। दाल काफी सारी है, इसको मैं थोड़ा अलग रख दूंगी, ज्यादा दाल हो जाएगी वो। तो ये हो चुका है डन, देख सकते हैं। सो गाइस, बन के हो चुका है डन, अब इसको फटाक से खाते हैं। भूख तो लगी रही है और टाइम भी बहुत ज्यादा हो चुका है। देखिए कुछ इस तरीके का। दाल तो अच्छी है, वरना चावल है ना वो मुझे कच्चे लग रहे हैं। दाल तो नो डाउट बहुत अच्छी है। मुझसे खाए नहीं जा रहा क्योंकि चावल ना बिल्कुल ही कच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा। देख सको इतना प्रेस करने पे भी ये नहीं वो हो रहे हैं। देखो इतना प्रेस करने पे भी ये बहुत ज़्यादा कच्चे चावल हैं, बिल्कुल भी नहीं खाए जा रहे मुझसे। मेरे को लगता है अगर मैंने इसको पूरा फिनिश कर दिया तो अभी तो मैं सही रहूँगी, बाद में जाके शायद मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है क्योंकि कच्चे चावल है। तो ये तो बेकार था। दाल इसके अच्छे है बाकी चावल इनके अच्छे नहीं हैं। तो सो गाइस, ये तो अच्छे नहीं है। आप तो इसका कॉम्बो में कभी जो कॉम्बो मिल है दाल चावल वो कभी मैं ट्राई कीजिएगा, क्योंकि चावल जो थे वो पूरे ही कच्चे थे, प्रॉपरली कच्चे थे। चावल मैं ट्राई की कॉम्बो मील ट्राई मत कीजिएगा, बाकी पर्सनली इनकी जो दाल है ना वो बहुत अच्छी है। तो मैंने दाल की वजह से ये कॉम्बो मील मंगवाया था, बट चावल कच्चे थे। तो एनीवे, तो अब स्नैक्स टाइम में देखते हैं कि स्नैक्स टाइम में हम क्या खा सकते हैं हल्दीराम का। तो चलते हैं स्नैक्स टाइम पर, मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, सो गाइस अभी 5:47 हो रहे हैं शाम के, मतलब इवनिंग के। तो अब स्नैक्स टाइम पे मैंने हल्दीराम का मैंने पहले रिव्यू नहीं करा, ये आइटम मेरे लिए मतलब फर्स्ट टाइम ही मैं मतलब ट्राई कर रही हूँ ये वाला आइटम। तो ये नान पॉकेट है चना मसाला, देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये दिखता है। ये मतलब फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी मैं भी, देखूँगी कि कैसा होता है कैसे नहीं होता। और इसका मेरे लिए डिसअपॉइंटेड ये है कि ये ना माइक्रोवेव है। तो अब मेरे को लगा कि यार माइक्रोवेव, पहले भी मैंने कुछ आइटम जो माइक्रोवेव थे वो मैंने पैन में सेक के खा लिया था, मतलब गर्म होने से तो मतलब है ना, मैटर क्या करता है कि हम गैस पे गर्म कर रहे हैं या अवन पे गर्म कर रहे हैं, गर्म तो हो रहा है ना हमारा आइटम। तो सो एनीवे, तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, मैं बता दूँ आपको इसकी कॉस्ट मैं बता देती हूँ। ये 100 रुपीज़ का पड़ा था मेरे को, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये 100 रुपीज़ का पड़ा था। तो एक बार इसको देखेंगे ओपन करके कि ये कैसा होता है खाने में, कैसा नहीं होता, फिर तो उसके बाद इसको खाएंगे कुक करके। कुछ
कुछ ये इस तरीके का निकला है, देख सकते हैं कुछ ये इस तरीके का निकला है। और इसमें स्टफिंग तो वैसे अच्छा समझ गए इसमें कैसा कुछ है। किसी को मतलब हमने तो बचपन में बहुत खाया ये, मतलब जो छोले कुलचे वाला कुलचा नहीं होता, उसके ऊपर ही हम अंकल जी से छोले लगवा लेते थे, फिर उसको रोल बना के खाते थे वैसा कुछ। तो ये वैसा ही कुछ है, देख सकते हैं इसमें वही जो उनके जो मटर वाले छोले होते हैं उन्हीं की वैसी ही इसमें स्टफिंग डली हुई है, देख सकते हैं कुछ। तो ये कुछ इस तरीके का है, काफ़ी देखने में तो काफ़ी टम्पटिंग लग रहा है। बाकी इसको मैं ना क्या कहते हैं तवे पे ही सेकूँगी, तो दिखाती हूँ आपको भी कि तवे पे कैसे सिक्के आता है कैसे नहीं सिक्के आता। तो या ऐसे ही खा लूँ, क्या करूँ, ऐसे ही खा लूँ या तवे पे सेकूँ। कुक तो होके रखा हुआ है, बाकी सिर्फ हमें गर्म ही करना है इसको, तो ऐसे ही खा के देखती हूँ। मतलब गर्म भी करने से क्या होगा, ऐसे ही खा के देखती हूँ। बाकी देखने में कुछ इस तरीके का है, बाकी खा के देखते कि खाने में कैसा होता है। अच्छा है, ओके ओके, अगर नहीं भी खाओगे तो बहुत अच्छी वाली चीज मिस नहीं करोगे, ऐसा कुछ है। खा के हो चुका है, लिटरली हवा टाइट हो गई यार। अब देखते हैं कि डिनर में क्या खाएंगे। सो चलते हैं डिनर टाइम में, देखेंगे हम डिनर में क्या खाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो, थोड़ी सी भी पसंद आती हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं डिनर टाइम में, बाय। सो गाइज टाइम देखिए, 10:06 हो रहे हैं, तो अब डिनर का टाइम है मेरा। तो अब डिनर में मैं ये खाऊंगी, पाव भाजी। पाव भाजी खाएंगे हम डिनर में, और इस टाइम पे तो इसका भी मैंने रिव्यू क्या कहते हैं करके रखा है अपनी वीडियो में अपने चैनल पे। अगर इन जितने भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ करे आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइस सब डिटेल में मैंने बता के रखा है। तो चलते इसको खाने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से है, तो इसको मैं गर्म पानी में ही डिप करके रख दूँगी 5 to 7 minutes के लिए, फिर उसके बाद सर्व करते हैं, खाते हैं। ठीक है, ये हमारे बन, ये क्रीम लेमन अनियन भाजी, बाकी ये भाजी है कुछ इस तरीके से। तो ये है, तो दो दो, दो पर्सन अच्छे से खा सकते हैं, इतनी भाजी होती है इसके अंदर, बाकी मैंने इतनी सी ही ली है।
कड़वी लग रही है, बिल्कुल कड़वी, खाने जा रही। तो मेरी वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इज़ द हम्बल रिक्वेस्ट। एंड आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, आपका दिन अच्छा गया हो, आपका पूरा साल अच्छा जाए, अच्छी अच्छी चीज़ें हों आपकी लाइफ में। सो हैप्पी न्यू ईयर वंस अगैन, एंड प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है।